साइड पिंगुले कुड़ कुड़ाल महाराष्ट्र ये फ्रंट का सामने का वॉल टाइल इसको धौलपुरी बोलते हैं, धौलपुरी पत्थर का कॉपी ये बनाया हुआ कंपनी में टाइल है, धौलपुरी का कॉपी है, जबकि ओरिजिनल धौलपुरी राजस्थान के अंदर एक जिला पड़ता है धौलपुर, उसमें जो पत्थर निकलता है खान में से उसको बोलते हैं धौलपुरी पत्थर। तो ओरिजिनल धौलपुरी वो होता है, वो लगाने के बाद में उसके ऊपर पॉलिश किया जाता है, ओरिजिनल वो होता है, और ये धौलपुरी का कॉपी है, टाइल है ये, और वो धौलपुरी रहता है धौलपुर जिले का राजस्थान का, वो ओरिजिनल पत्थर रहता है, वो लगाने के बाद में उसके ऊपर होता है पॉलिश, और ये धौलपुरी टाइल बोलते हैं इसको, जो कंपनी में बनाया रहता है उसमें ये धौलपुर का डिजाइन है, तो धौलपुर का जो पत्थर रहता है उसमें ये डिजाइन रहता है, ऐसे ऐसा पत्थर रहता है, और पत्थर नेचुरल रहता है तो पत्थर रफ रहता है वो, और वो लगाने के बाद में उसके ऊपर पॉलिश होता है, उसका खर्चा भी ज़्यादा रहता है, पत्थर का भी लगाने का भी और उसके ऊपर पॉलिश करने का भी। तो इसकी जगह पे अभी ये टाइल चला दिया कंपनी के लोगों ने, तो इसको धौलपुरी टाइल बोलते हैं। इस सामने फ्रंट का लगा है, तो ये टाइल धौलपुरी कैसा लगा देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन है कि ये धौलपुरी टाइल कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, तो किधर भी कोई रिश्तेदारों के अपने काम चल रहा है तो उधर आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, ताकि उनको आइडिया आ सकता है कि इस तरीके का धौलपुरी टाइल है, वो लगाने से कैसा दिखेगा सामने का फ्रंट है। ये विंडो है, विंडो को ये अंदर विंडो के अंदर फ्रेम लगाया है, उसके ऊपर से ये फोटो फ्रेम लगाया है, और ये मेन डोर, मेन डोर है इसका वो लकड़ी का, इसके बाद में बाजू में ग्रेनाइट का 3 इंच का पट्टी लगा के ऊपर है वो 3 इंच का पट्टी का फोटो फ्रेम बनाया है, इससे काफी प्यारा सुंदर और नाइस दिख रहा है। आप देख सकते हो आराम से पूरा, ये हमारा सिल्लू बिल्लू दबंग टाइगर, पूरा काम इसी तरीके से देखते रहने के लिए हमारे वीडियो को वो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये बना दबंग बना चिंत बना, ये महान महान पुरुष बैठे हैं, ये बजरंग बली, भगवान के दर्शन वादी, आपको भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को हाजिरी लगाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना। अभी दिखाता हूँ आपको किचन, ये किचन आज कंप्लीट हो गए है, इसका वॉल टाइल लगना बाकी है, लेकिन जो किचन का जो पत्थर है वो सब लग गए हैं, कल आपको वीडियो बना के दिखाया था उसमें सामने का पट्टी नहीं लगाया था, ये सामने का पट्टी भी, ये भी लगा दिया, ये मोल्डिंग करके, ये पूरा वो फुदलावन मोल्डिंग के है, फुदलावन मोल्डिंग के है, उधर कातरा मिला है, ये देखिए ये पूरा कातरा मिला है, और ये साइड में इसको एरल्डाइट लगाया है, ये साइड में जो ये पत्थर है इसको सामने एरल्डाइट लगा के ये पत्थर को सब चिपाया है, सीमेंट लगाया है। अभी किचन का लगाएंगे फ्लोरिंग टाइल, तो किचन का फ्लोरिंग टाइल कैसा लगेगा और लगने के बाद में कैसा दिखेगा ये सब आपको देखने का है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना पूरा फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और किचन कैसा लगा, धौलपुरी टाइल है वो कैसा लगा, वो सब आपको काम कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किचन का वॉल टाइल है वो लगना भी बाकी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वॉल टाइल का भी हम लोग वीडियो बना के आपको भेजेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि वीडियो चढ़ गए आ गए हैं, आप वॉल टाइल भी देख सकते हैं, फ्लोरिंग टाइल देख सकते हैं,
और पूरा ये बंगले का कंप्लीट काम आप देख सकते हैं। आपको एक एक वीडियो, हर बाथरूम का वीडियो, वॉल टाइल का, फ्लोरिंग टाइल का, हॉल का और बेडरूम का, फ्रेम का, डाइनिंग टेबल का, वॉश बेसिन का, सब वीडियो है वो एक एक करके डालते जाएंगे। स्टेप का, स्टेप में क्या डिज़ाइन है, कैसा लगेगा, वो सब हम जानकारी देते जाएंगे। तो कोई भी पार्टी है, कोई भी घर वाला है, काम करवाने वाला, वो भी देख के आइडिया ले सकता है लगाने से पहले, भाई इस कलर का टाइल है वो कैसा लगेगा, इस कलर का कैसा लगेगा, 2x2 का कैसा लगेगा बेडरूम में, और 2x4 का टाइल है वो हॉल में है तो वो कैसा लगेगा। आप लगाने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आया तो आप दुकान से जाके वैसा टाइल खरीद के अपने घर में लगवा सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पूजा घर, इसका भी डिज़ाइन में पूजा घर बनाएंगे, ये बनाया है फ्रेम, विंडो फ्रेम और ये डोर फ्रेम। तो आप देखते रहने के लिए चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेना। नए नए वीडियो आपको नॉलेजफुल, आपकी जानकारी की वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।